हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं टाउन हॉल 9 के बेस पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी जगह है जो कि होना बहुत बहुत मतलब कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। जी हाँ, आज हम सुबह फार्मिंग कर रहे थे अपने इस अकाउंट से, तो उस समय हमें एक टाउन हॉल 9 का ऐसा बेस मिला जिसपे की हमें 10 लाख मतलब की 1 मिलियन लूट मिली, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो बेस ना ही रश्ड बेस था, ना ही डेड बेस था, वो फुल्ली मैक्स टाउन हॉल 9 बेस था और वो पूरा एक्टिव बेस था। तो मैंने कभी नहीं देखा कि एक्टिव बेस पे इतनी ज्यादा लूट मिलनी। नो डाउट डेड बेसिस पर भी मिल जाती है, बट डेड बेसिस पर भी इतनी ज्यादा लूट नहीं मिलती जो कि हमें आज इस एक्टिव बेस पर मिल गई, जो कि फुल्ली मैक्स टाउन हॉल 9 का बेस था। बस एक ही जगह सोच रहा कि हम उस अटैक को रिकॉर्ड नहीं कर सके, बट स्टिल हमारे पास रिप्ले है अभी भी उस अटैक का। तो मैं आपको रिप्ले भी दिखाऊंगा कि कैसा वो बेस था, किस आर्मी हमने उस पे अटैक किया था, क्या हमने उस बेस पे गलतियां कर दी थी, वो सारा मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बढ़ते हैं रिप्ले की तरफ। बट उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए, क्योंकि मैं सब लोग क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हो, नीचे का सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल है, जल्द से उसको दबा के ग्रे कर दो और बाजू बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, जिससे कि मेरे चैनल की छोटी छोटी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं उस रिप्ले की तरफ। सो गाइस, ये वो बेस जिसके बारे में आप सबको मैं बता रहा था। यहाँ पर हम लूट की बात करें तो यहाँ पर हमें 10 लाख इलिक्सर मिल रहा है, जो कि मतलब हो गया 1 मिलियन इलिक्सर। अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें 9.5 लाख के करीब यहाँ पर हमें गोल्ड मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है टाउन हॉल 9 पे इतनी ज्यादा लूट मिलना। अगर हम बेस की बात करें तो बेस फुल्ली मैक्स बेस है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से टाउन हॉल पर है और आपको आज तक कितनी ज्यादा लूट मिली हुई है। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं या आप उसकी स्टोरी डाल सकते हैं मुझे टैग करके। तो ये रहा मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम, अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया होता मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप जरा आलसी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर सीधा क्लिक कर देना, सीधा मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रिप्ले की तरफ, देखते हैं हमने कैसे इस बेस पर अटैक किया था। सबसे पहले यहाँ पर हमने आर्चर को डिप्लॉय की थी 12 o'clock से। मेन एम ये था कि यहाँ पर हमारी जो आर्चर क्वीन है वो विजर टावर को निकाले और बॉम्ब टावर को निकाले, ताकि जो स्प्लैश डैमेज है वो जितना भी होगा वो हमारी आर्चर क्वीन निकाल लेगी, ताकि हमारे हॉग राइडर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर हमें एक एडवांटेज था कि यहाँ पर जो बारबेरियन किंग है और जो आर्चर क्वीन थी दोनों हीलिंग पे गई हुई थी, जैसे कि हमें बहुत अच्छा यहाँ पर वैल्यू अच्छी खासी मिल गई थी। यहाँ पर उसके हमने यहाँ पर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय करी ताकि हमारी जो आर्चर क्वीन है वो अंदर की तरफ आए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी मिक्स सिचुएशन हो गई थी, यहाँ मुझे था कि हमारी आर्चर क्वीन बाहर चले जाएगी अंदर आएगी, तो यहाँ मुझे थोड़ा डाउट होने लग गया। तो यहाँ पर मैंने एक विजर्ड भी डिप्लॉय कर दिया था, यहाँ पर हम डिप्लॉय करेंगे एक विजर्ड। सो यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम हॉक की बात करके, हम हॉक कहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, जितनी भी हॉकिंग है वो पहले हमारा इनिशियल प्लान ये था कि हम 2 o'clock से स्टार्ट करेंगे, बट मैंने पहले सोचा कि चलो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं हमारी आर्चर क्वीन कहाँ जा रही है, उसके बाद हमारा जो हॉकिंग होगी वो हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हमें अपने आर्चर क्वीन की बात करें तो आर्चर क्वीन ने ये वाला जो कंपार्टमेंट है वो पूरा निकाल लिया, और यहाँ पर अभी भी आर्चर क्वीन काफी अच्छी वैल्यू दे रही है। तो यहाँ पर हमने एक हॉग राइडर डिप्लॉय कर दिया पीछे की तरफ, जिससे कि यहाँ पर हम देख ले कि सीसी में कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्लेयर है वो एक्टिव प्लेयर थे, यहाँ पर हमें थोड़ा डाउट हो गया था। तो यहाँ पर हमारे जो आर्चर क्वीन है उसको काफी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर हमने जो अपना हॉगिंग थी वो यहाँ से स्टार्ट की, ताकि हमारे जितने भी हॉग हैं सारे विजर टावर को एम करते हुए सारे अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हमने हील स्पेल यूज कर ली, जिससे कि यहाँ पर जो डैमेज था बहुत ज्यादा मिल रहा था, उसके साथ यहाँ पर हमने रेस स्पेल भी यूज कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज था। सो हम चाहते थे जल्द से जल्द हमारे जो हॉग्स हैं वो एरिया निकाल ले, ताकि ज्यादा ज्यादा हॉग्स हमारे यहाँ पर अलाइव रहे। सो यहाँ पर हमने एक और हील स्पेल यूज कर ली, यहाँ पर हमारे से एक ही प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर हम सीसी के ट्रूप्स लाना भूल गए। मतलब कि मैंने सोचा था यहाँ पर हम सीसी के ट्रूप्स लेकर आएंगे, बट जब मैंने ये अटैक स्टार्ट कर दिया उसके बाद मैंने कहा चलो अगले वाले अटैक में लेकर जाएंगे। और जैसे हमने ये अटैक किया, मतलब जैसे हमने सर्च किया, उस समय सबसे पहला बेस हमें यही वाला मिल गया। सो यहाँ पर हमें बस एक उसी चीज के घाटा हो गया कि हमने यहाँ पर जो सीसे के ट्रूप्स नहीं लिए, जिसके कारण ये वाला जो कंपार्टमेंट है जिसमें कि यहाँ पर अभी विजर टावर, आर्चर टावर और यहाँ पर मेरे जो कैनन है वो यहाँ पर पड़ी हुई। सो यहाँ पर मैंने किंग की एबिलिटी इसलिए यूज की थी ताकि जो विजर टावर है, यहाँ पर जो आर्चर टावर है और जो कैनन है वो इसके तरफ ध्यान देते, बट यहाँ पर वो चीज नहीं हुई। यहाँ पर जो विजर टावर था वो अभी भी हॉक पे ध्यान दे रहा था, जिसके कारण यहाँ पर जो हॉक्स थे दोनों वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जितना भी डिफेंस था वो तो सारा निकल गया। अब यहाँ पर जो मेन चीज थी वो थी लूट, हमें वहाँ पर लूट चाहिए थी, यहाँ पर अभी भी काफी अच्छी यहाँ पर लूट बची हुई थी। सो यहाँ पर एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो गई थी, मुझे यहाँ पर लग रहा था हमें सारी लूट नहीं मिल पाएगी, यहाँ पर 1 star होगा, 2 star होगा या क्या होगा यहाँ पर। ऊपर से यहाँ पर जो विजर्ड है वो भी एक ओपी विजर्ड निकला, मतलब कि इसको कहें 100 IQ विजर्ड, मतलब कि उसने जितना भी वहाँ पर ऊपर जितना भी गोल्ड स्टोर था उससे सारा यहाँ पर निकाल लिया गोल्ड। और यहाँ पे बात करें, अब हमारी जो आर्चर क्वीन है, पैका और बारबेरियन किंग, अब तीनों क्लैन कैसल को टारगेट कर रहे हैं। क्लैन कैसल हमें चाहिए कि जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि क्लैन कैसल में बहुत ज्यादा लूट है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट लगा कि क्या हम टाउन हॉल को निकाल सकें, क्योंकि बात करें यहाँ पर 3 star तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो विजर्ड टावर है वो बारबेरियन
ऑल्टर को अभी भी नहीं फोड़ सकता। सो यहाँ पर सिर्फ 3 सेकंड 2 सेकंड, और यहाँ पर हमारा जो एलिक्सर था वो तो हमने सारा यहाँ पर क्लेम कर लिया, पर 60,000 एलिक्सर रह गया था। टोटल हमें यहाँ पर 10 लाख एलिक्सर मिल रहा है, जो कि 1 मिलियन एलिक्सर मिल रहा था। हमने यहाँ पर 9,40,000 एलिक्सर क्लेम कर लिया। अगर हमें 2 सेकंड और मिल जाते तो हम सारा एलिक्सर क्लेम कर लेते, क्योंकि यहाँ पर जितना भी गोल्ड था, डार्क एलिक्सर था, वो तो हमने सारा क्लेम कर लिया। बस यहाँ पर 60,000 एलिक्सर रह गया, वो कहीं ना कहीं हम क्लेम करना रह गए। और यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो गई कि हमने सीसी में कोई ट्रूप नहीं लिया था। अगर हम सीसी में कोई भी ट्रूप लेते, वो चाहे बात करें हम सिर्फ आर्चर ही लेकर जाते, तब भी हम इसको इजीली 3 स्टार कर लेते। 3 स्टार चाहे ना भी होता, फिर भी हम लूट सारी क्लेम कर लेते, क्योंकि आखिरी जो कंपार्टमेंट रह गया था उसमें अगर हम आर्चर्स भी डिप्लॉय करते तो जो हॉक्स थे वो बच जाते हमारे, तो कहीं ना कहीं इसको 3 स्टार कर लेते। बट चले यहाँ पर 3 स्टार नहीं हुआ। बात करें यहाँ पर आर्मी की, तो आर्मी यहाँ पर हमने नॉर्मल सी आर्मी यूज की थी। डार्क एलिक्सर में भी इतना फार्म नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने हॉग राइडर की आर्मी यूज कर रहा हूँ। और दूसरा रीजन ये कि आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है। सो बात करें यहाँ पर हमने जो अटैक किया, ये तो हमारा रिप्ले अटैक था, ये तो हमने पहले से किया हुआ था अटैक। अब बढ़ते हैं एक और नए अटैक की तरफ, जो कि हम करेंगे अभी के अभी लाइव अटैक, और करेंगे इसी आर्मी का, और देखते हैं क्या हमें इतनी अच्छी लूट मिली है, क्या हमें दूसरे बेस पर भी मिल सकती है या क्या होगा। चले बढ़ते हैं पहले हमारे बेस की तरफ। यहाँ पर हम जो आर्मी यूज करने वाले, इस बार हम यहाँ पर जो सीसी में ट्रूप्स लेकर जाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मारे होंगे हॉग राइडर्स, और सीसी में यहाँ पर हम एक और फ्रीज स्पेल ले लेंगे, और बाकी जितना भी ट्रूप्स होंगे वो सारे सेम होंगे पिछले अटैक जैसे। चले गए, अब बढ़ते हैं बेस की तरफ और देखते हैं कोई अच्छा सा बेस मिले जिसमें लूट भी अच्छी मिल जाए, ट्रॉफिक भी मिल जाए। सो गाइस ये मिल चुका हमें एक और बेस जिसपे हमें इतनी ज्यादा लूट मिल रही है। आज का दिन तो भाई बहुत ही ज्यादा लूट भरा जा रहा है। चलिए यहाँ पर हमने आर्चर को डालेंगे, यहाँ पर बैलून डालेंगे, पीछे डालेंगे सारी हीलर्स। तो यहाँ पर जितनी भी लूट है ऑलमोस्ट सारी कलेक्टर्स में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको सारे निकालने, जैसे हमें सारी लूट मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपने जो वॉल ब्रेकर्स हैं उनको कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पर चलिए एक वॉल ब्रेकर यहाँ पर, एक विजर्ड वहाँ पर डाल दिया, 3 वॉल ब्रेकर्स यहाँ डाल दिए, यहाँ पर अपने एक रेस पेल डाल देंगे। तो यहाँ पर जो एनिमी किंग होगा वो तो यहाँ पर निकल जाएगा, हमारी जो आर्चर क्वीन है वो भी अंदर की तरफ जा रही है। हमें चाहिए कि हमारी आर्चर क्वीन ये वाले कंपार्टमेंट में अंदर चले जाए, देखते हैं कैसे जाएगी। हमें वॉल ब्रेकर्स बिल्कुल सही डिप्लॉय करने पड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर मेरे हिसाब से वॉल ब्रेकर्स हम यहाँ पर थोड़े गलत चले गए। यहाँ पर चलिए एक फ्री स्पेल यूज कर लेते हैं। सो क्या लग रहा है यहाँ पर, ओ शिट प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। ओ हो मतलब यहाँ पर हमारी फ्री स्पेल भी वेस्ट चले गई, और यहाँ पर जो लूट है वो भी यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा सारी मिलेगी। क्या लगता है यहाँ पर, चलिए मेन चाहिए हमें यहाँ पर लूट मिल जाए सारी। यहाँ पर चलिए पहले एक हॉग राइडर डिप्लॉय करते हैं जिससे कि यहाँ पर जो सीसी है वो ल्यूर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर सीसी में कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे जितने भी अब दिखते हैं यहाँ पर, चलिए सारे जितने भी हमारे हॉग्स हैं वो सारे डाल देते हैं। पीछे से अपने सीसी के हॉग्स डाल देते हैं, यहाँ पर 2 हॉग्स और डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं अपना किंग। तो चलिए इस बार जो आ चुकी है काफ़ी दिक्कत देने वाली है, देखते हैं हमारे जो हॉग्स हैं वो सारे कहाँ जाते हैं। जिस तरफ हॉग जाएंगे उस तरफ अपने हील स्पेल यूज़ कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हील स्पेल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर हम पॉइजन स्पेल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर एक विजर्ड डाल देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पर एक रेस स्पेल यूज़ कर लेते हैं। चलिए ये जो हमारे जितने भी ओके यहाँ पर हमारे जो ओपी मतलब कि ओपी हॉग राइडर्स यहाँ पर जितने भी हॉग राइडर्स सारे निकल गए। अब यहाँ पर बस जो आ चुकी है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है यार, क्या करें यहाँ पर। उसको हम छोड़ देते हैं कि हम यहाँ पर 3 स्टार करेंगे, उसको चलिए छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर जितनी लूट है उस सबको यहाँ पर क्लेम करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पर हम एक पैकर डाल देते हैं, यहाँ पर एक विजर्ड, यहाँ पर एक विजर्ड। चलिए यहाँ पर हमें जो चाहिए कि लूट मिल जाए सारी, यहाँ पर देखते हैं कितनी 7 लाख अराउंड यहाँ पर हमें स्टार्टिंग लूट मिल रही थी। देखते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी लूट यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्या लगता है यहाँ पर हम कितनी निकाल पाएंगे। यहाँ पर जो क्लैन कैसल वो भी निकल जाएगा, तो इसमें भी हमें यहाँ पर सारी लूट मिल जाएगी 75%। यहाँ पर 2 स्टार ही होगा, यहाँ पर 3 स्टार तो नहीं होगा। यहाँ पर चलिए हम रेस स्पेल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर वैसे आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर सकते थे बट यार हमारे पास रेस स्पेल बची हुई थी, चलिए वही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 30 सेकंड्स अराउंड रह गए हैं, अभी भी यहाँ पर काफ़ी लूट बच गई जो कि हम यहाँ पर क्लेम नहीं कर सके। देखते हैं तब भी यहाँ पर अभी 30 सेकंड्स हैं, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर कितनी लूट हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस वो फ्री स्पेल जो हमने गलत डिप्लॉय कर दी, हमें था कि वॉल ब्रेकर्स फोड़ देंगे, वॉल नहीं फोड़ पाए। चले यहाँ पर हम आ चुके उनकी एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाउन हॉल निकले जिससे कि हम यहाँ पर 94% कितना 92% देखते हैं यहाँ पर कितना आता है, ओके 93% यहाँ पर निकाल लिया, 94%। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, चलिए यहाँ पर 94% 2 स्टार आ गया। और बात करें लूट की, तो लूट काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल गई हमें, 1.5 मिनट और मिल जाए तो हम इस बेस को 3 स्टार कर लेंगे। यहाँ पर हमें 6.5 लाख के करीब यहाँ पर हमें गोल्ड मिल चुका है, 7.5 लाख के करीब यहाँ पर हमें एलिक्सर मिल चुका है, और 7,500 के करीब यहाँ पर हमें डार्क एलिक्सर मिल चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है टाउन हॉल 9 पे मिलना। नो डाउट हमें जो पहले मिली थी वो तो भाई ओपी थी, मतलब कि इतनी ज्यादा लूट मिलनी अभी भी हमने इतनी देर सर्च करने के बाद ढूंढी है। पहले जब हमने एक बार भी बेस सर्च नहीं किया था, सबसे पहला बेस ही हमें इतनी ज्यादा लूट वाला मिल गया था। इस बार हमें काफी देर सर्च करना पड़ गया, बट स्टिल हमने यहाँ पर जितनी लूट चाहिए थी
उतनी यहाँ पर निकाल ली, अब यहाँ पर लूट काफी अच्छी हो चुकी है। बढ़ते हमारे बेस की तरफ, यहाँ पर हमारे बिल्डर है वो चारों के चारों अवेलेबल है, देखते हैं यहाँ पर कुछ अपग्रेड पर लगा सके। चलिए यहाँ पर ट्रेजरीज में काफी अच्छे यहाँ पर रिसोर्सेज पड़े, ट्रेजरीज का यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखें क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्वीपर बता रहा है जिससे कि मैक्स हो जाएगा टाउन हॉल 9 के लिए और अपग्रेड हो जाएगा लेवल 5 के लिए। 2 डेज अपग्रेड टाइम होगा, 30 लाख गोल्ड इसकी कॉस्ट होगी। चलिए इसको अपग्रेड कर लेते हैं, 1 2 3 बूम। चलिए हमने इसको अपग्रेड पर लगा लिया, अब हमारे पास बचता है इलिक्सर। इलिक्सर की हेल्प से हम क्या करें? ओके, इलिक्सर की हेल्प से हम यहाँ पर लेबोरेटरी में कुछ अपग्रेड करेंगे। तो लेबोरेटरी में हम यहाँ पर क्या अपग्रेड पर लगाएं? यहाँ पर हम जो अपग्रेड करेंगे वो करेंगे बैलून्स को, जिससे कि हो जाएगी लेवल 6 के और आई थिंक ये मैक्स हो जाएंगे टाउन हॉल 9 के लिए। चलिए इसको अपग्रेड कर लेते हैं, अपग्रेड टाइम है 5 डेज और 45 लाख इलिक्सर इसकी कॉस्ट होगी। 1 2 3 बूम। चलेगा हमने इसको अपग्रेड पर लगा लिया, अब हमारा जो गोल्ड है और हमारा जो इलिक्सर है वो पूरा फिनिश हो चुका है। यहाँ पर बात करें सीजन रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, चलिए यहाँ पर 5 लाख एलिक्सर मिल रहा है वो क्लेम कर लेते हैं। और बात करें यहाँ पर हमारे पास वॉल रिंग्स बची हुई है, चलिए वॉल रिंग की हेल्प से यहाँ पर कुछ वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं। चलिए 3 4 5, चलिए यहाँ पर 5 वॉल रिंग्स थी, 5 की 5 हमने यहाँ पर यूज कर लिए और अभी भी यहाँ पर हम और वॉल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पहले एलिक्सर की हेल्प से कर लेते हैं, 1 2 3 बूम। चलिए यहाँ पर हम गोल्ड की हेल्प से कर लेते हैं, 1 2 3 बूम। चलिए यहाँ पर हमने एक कर ली, यहाँ पर हम एक और कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसे बिल्डर्स अवेलेबल थे, तो चलिए यहाँ पर हम वॉल को अपग्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो स्केलेटन ट्रैप है उसको लेवल 2 का कर लेते हैं, अपग्रेड टाइम है इसका 6 आवर्स और इसकी जो कॉस्ट है वो है 6 लाख गोल्ड। चलिए इसको अपग्रेड कर लेते हैं, 1 2 3 बूम। तो चलिए गाइस, अब हमारे यहाँ पर जो गोल्ड है वो पूरा फिनिश हो चुका है, एलिक्सर भी पूरा फिनिश हो चुका है, डार्क एलिक्सर काफी बचा हुआ है। चलिए डार्क एलिक्सर की हेल्प से क्या करें? ओके, डार्क एलिक्सर की हेल्प से हम यहाँ पर बारबेरियन किंग को अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे ये लेवल 7 से लेवल 8 का हो जाएगा। 24,000 इसकी कॉस्ट होगी, 1 डे एंड 12 आवर्स इसका अपग्रेड टाइम होगा। चलिए गाइस, 1 2 3 बूम। चले गए, हम इसको अपग्रेड पर लगा लिया, अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास गोल्ड है, ना ही एलिक्सर है और ना ही इतना डार्क एलिक्सर है कि उससे भी हम कुछ कर सके। तो चले गए, यही थी आज की वीडियो। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उससे मोस्ट इंपोर्टेंट दो बार चेक करना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया हुआ है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने साथियों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।